नंबर ऑफ डिटेल्स लिखो। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, यो बात करिए, मैं मलेशिया एजुकेशन से बात कर रहा हूँ। आप एमएस करना चाह रही हैं चाइना से, कौन से फॉर्म आएगा हमारे पास? अपना बाइक किया ऑनलाइन पेमेंट कैसे? नहीं नहीं करना चाह रही, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। लाल क्यों किए गए? कह रही है कि नंबर ही खराब है, क्या करें? लाल नहीं करने ना, जो अप्लाई नहीं करना चाहते हैं उनके साथ समझ। तो अभी इसको क्या करें ये बता ना। ये आपने मंजिंडा करना, ये करना है क्योंकि बात होगी ना इससे। नहीं ना, वो फोन खराब, नंबर ही खराब है। वो कह रहा है आपका नंबर मिलाया, वो नंबर खराब है। दुरुस्त होने नहीं जा रही है, ऐसी है ये, इसका क्या कर सकते हैं? लॉकेट दिखाना यार, पायरेट बना हुआ है, शाम खराब है। हेलो हेलो, वो गाने गा यार, गाने सुना मुझे, गाने सुना मुझे यार। ये गाने का टाइम नहीं है साथ साथ यार, ये तो कैसे करते हैं सर आप? ये मुझे पता क्या लग रहा है, ये मुझे मिक्स जेंडर लग रहा है, गारंटी है। ये वही है, ये भी लुक्स लाइक अ ह्यूमन, सर लाइक अ करेक्ट जेंडर। हेलो, डर लग रहा है।
से पाकिस्तान मैदापुर रहमान बात करें। अच्छा मैं चाइनीज़ कंसल्टेंट हैं हम लोग, MBBS डिग्री करना चाह रहे हैं चाइना से आप। अच्छा आपकी परसेंटेज कितनी है? 69% है आपकी, ठीक है। तो आपको ना हम एडमिशन करा देंगे, ठीक है, और आप तकरीबन $1,000, ठीक है, तो हम लेंगे आपसे, बाकी जहाज का टिकट कराना सिर्फ आपने, ठीक है। और ये $1,000 देख लें कितने बनते हैं, तकरीबन बनेंगे 3 लाख के आसपास, जो भी रेट चल रहे हैं। तो लोन जमीन में आप कहते हैं आप MBBS करना चाह रहे हैं, MBBS तो जनरली होता है, बाद में स्पेशलाइजेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। सॉरी इसका क्या अवेलेबल है? स्कॉलरशिप MBBS का नहीं है इस तरह का ना, वो ये है कि आपको कम से कम जो जहाँ पे पता है वो 10-12 लाख की डिग्री होती है जाना में, मैक्सिमम तो आपको पता है 45 लाख वाली डिग्रियाँ भी अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन है सेल्फ फाइनेंस पे, इसमें स्कॉलरशिप नहीं है, वो बाकी प्रोग्राम में होता है। अगर आप MBBS नहीं करना चाहते हो, कुछ मेडिकल के और प्रोग्राम्स हैं लाइक BS फार्मेसी, BS नर्सिंग वगैरह, 4-5 प्रोग्राम्स हैं जो भी मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए, बाकी बिजनेस मैनेजमेंट जी GPD क्या कह रहे हैं, सॉरी मुझे समझ नहीं आई क्या बात कर रहे हैं, DPD से क्या बनता है, DPD से क्या बनता है, डेल्टा फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अच्छा एनीवे फिजियोथेरेपी पूछ रहे हैं आप ना, एक सेकंड, फिजियोथेरेपी क्या फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी हाँ क्या वो आप उनको मैसेज टेक्स्ट करेंगे उसको डिटेल में देंगे, है उसका कब से, हेलो हेलो क्या पूछ रहे थे आप लोगों ने, आपने किस डिग्री ली है? देखिए मेरी बात सुने, MBBS अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये सेल्फ फाइनेंस पे होता है, इसका तकरीबन चाइना में 40 लाख रुपये खर्चा आ रहा है, ठीक है। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड, हमारे पास 4 बायो फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अवेलेबल है, बायो मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, फार्मेसी, अगर इनमें अप्लाई करते हैं तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी की फ्री होती है, हॉस्टल की फ्री होती है, पर्सनल फीस टाइप में होता है। बाकी फर्दर डिटेल के लिए मैंने आपके नंबर पर मैसेज फॉरवर्ड कर दिया मनीषी एजुकेशन कंपनी के नाम से, उसी के लास्ट पे नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करेंगे करंट एजुकेशन परसेंटेज और एज सेंड करेंगे, आपको ऑफिस का एड्रेस और मिल जाएगा। समझा ब्रो? नहीं सीटी ना मोड़ यार, ऑफिस अभी सीरियस बच्चा है, काम करना चाहता है, ब्रो तेरा तो बहुत यार वो क्या
ये पावर है वो जो साथ में। बंद कर लो यार इसको भाई, सब बंद कर लो यार इसको भाई, मान यार मनान अफरीदी बात कर रहे हैं जी, मैं चाइनीज कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ। आप एमएस के लिए चाइना जाना चाहते हैं, आप फॉर्म आया हुआ था स्कॉलरशिप का आपका, ऑनलाइन अप्लाई किया आपने भी? नहीं नहीं आपने, जी जी है ना, है ना एमएस के लिए है ना, सॉरी हाँ हाँ डन करेंगे, करा के देंगे, गारंटी है। ये 1400 से 1700 यूएस डॉलर बनते हैं कुछ 4.5-5 लाख। ये इतने रियायत कर लेंगे, निगोशिएशन कर लेंगे, एक मतलब पॉलिसी है फ्लेक्सिबल है, आप या चक्कर लगा लें या व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लें, आपको डिटेल्स वगैरह बता देते हैं सारी फाइनेंशियली, और आपकी ट्यूशन फी फ्री है ठीक है, और आपके आप ठीक है ठीक है ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, स्टेटस पे लगाते हैं वहीं भी शो हो जाएगा, स्कॉल से बातें रहते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी ऑफिसर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कुरतुलैन बात कर रही हैं? मैं मलेशिया एजुकेशन से बात कर रहा हूँ, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म आया हुआ, चाइना जाना चाह रही हैं एमएस के लिए? जी जी फुल स्कॉलरशिप मिलेगा 100%, ड्राइव फ्री, आपकी अकोमोडेशन, आपकी ट्यूशन फी फ्री है और आपकी अकोमोडेशन भी फ्री है ठीक है। तो इस हवाले से कुछ जानना चाहती हैं मजीद तो बताएं, मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन हमने आप इस साल सितंबर में हम आपको भिजवा सकते हैं ठीक है, और अगले साल की बेहतरी है मार्च इंग्लिश 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 में होगी। 1400 से 1700 यूएस डॉलर हम लोग लेते हैं, और उसमें ना हो तो रिफंड की पॉलिसी है ठीक है, आपसे एग्रीमेंट होगा स्टाम्प वगैरह में बकायदा, ऑफिस आ सकती हैं तो जरूर चक्कर लगाएं। G15 ये इसमें स्टडी वीज़ा शामिल है, हम स्टडी वीज़ा लगवा के देंगे आपको और हम एडमिशन भी कराएंगे गारंटेड आपको, जो सा प्रोग्राम आप कहेंगी या जो जहर है तो BS केमिस्ट्री कौन सी आपकी, आपकी फील्ड कौन सी है, फील्ड कौन सी आपकी, डिसिप्लिन डिसिप्लिन कौन सा है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन ठीक है, तो ये हो जाएगा। आपको ईमेल मैं कर देता हूँ और आप उसमें ना व्हाट्सएप नंबर है एंड पे तो आप रब्ता करेंगी तो आपको मजीद डिटेल्स वगैरह हम बता देंगे ठीक है। 4-5 साल से हम काम करें, काम वेरीफाइड हमारा गारंटेड करा के देते हैं ठीक है, तो वो जब आपको जब आप सेटिस्फाइड फील करेंगी कि यार वाकई में लग रहा है कि काम करते हैं और उसमें कोई ऐसा वो नहीं, आप एग्रीमेंट होगा ठीक है। चलें ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ऑफिसर है
हमें नहीं पता, हमको वोट तो बढ़ चुके हैं। मुझे बता ना 3 महीने वाले का, उस वक्त मैंने वीजा 3 महीने का लगा के दिया, वो क्या करेगा, वो तो फंस नहीं गया, बता ना यार। नहीं अभी क्या करेगा वो, और वो खुश भी है, बता ना यार। ब्रो ब्रो यार वीजे के बारे से बता ना। अगर वो उसमें ना आते, अगर वो जाल में ना आते, अगर गलती से दाएं बाएं हो जाता अगर गलती से जाल दाएं बाएं हो जाता अगर गलती से दाएं बाएं हो जाता आसिफ आशिक बात कर रहे हैं आप। अच्छा आपने एर एल पी किया होगा, आप एम एस के लिए जाना चाह रहे हैं चाइना, कौन से फॉर्म आएगा हमारे पास। अच्छा आपका 50% है तो आपको हम ना पर्सनल स्कॉलरशिप करवा के दे सकते हैं, ट्यूशन भी आपकी फ्री हो जाएगी, अकोमोडेशन आपको खुद देर करनी पड़ेगी। एडमिशन नहीं नहीं हॉस्टल फी, पार्ट टाइम जॉब करें जैसे भी करें या फैमिली सपोर्ट से, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। 2 साल का प्रोग्राम होता है, 2-2.5 साल जितने भी, ये आपको जो है ना एडमिशन हॉस्टल फी आपको करनी पड़ेगी और ट्यूशन फी आप फ्री करा देंगे। ठीक है, ये टोटल आपने हमें देना है 1400 से 1700 4-5 लाख बनते हैं। स्टडी वीजा हम करवा देंगे आपको, एडमिशन भी हम प्रोवाइड कर आपको, आप उसको जहाँ से लेकर देना है, टैक्सी टिकट ड्रॉप आपकी, यहाँ एयरपोर्ट पहुँचना, बाय एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी पहुँचना, वो सब हमारी करनी है। हमारी टीम भी होगी बाहर रिसीव करने में, आपको ऑफिस में करना होगा। आप ईमेल कर लेना उसके अंदर, व्हाट्सएप करता है उसको, आपका करें आपको वर्किंग डे वगैरह जो करवा दो। ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है, थैंक यू। मेहरान मेहरू के नाम से आ रहा है हमारे पास, आप ही हैं। अच्छा अच्छा, ये चाइनीज कंसल्टेंट है हम लोग, एम एस के लिए भिजवाते हैं आपने, आप जाना चाह रहे हैं एम एस के लिए चाइना,
अपने भी हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल 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 वहीं से बात कर रहा हूँ। अब आपका आपका जीपीए कितना है, परसेंटेज कितनी है ग्रेजुएट? 16 साल का, 16 साल किया हुआ आपने, 18 के लिए हम आपको भिजवा सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? ठीक है, आपको हम भिजवा सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ठीक है, आपकी ट्यूशन फी जो है ना वो फ्री होगी भाई, और जितना भी आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपकी अकोमोडेशन भी फ्री होगी। ठीक है, ये दो काम हम करा देंगे आपको, लेकिन वहाँ बहर आपने जी पी सी भी थोड़ा कम अच्छा रखते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो है स्टाइपेंड भी मिलता है, मैं समझता 1000 तो मिलता ही मिलता है, 1000 से 3000 तक कोशिश करेंगे, 2500 तक करेंगे, 4-5 कोशिश अप्लाई करेंगे। आइल्स वगैरह की जरूरत नहीं है, अगर है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अदरवाइज हम गारंटेड हम लोग कराते हैं, पैसे मसला नहीं है। ठीक है, रिफंड पॉलिसी भी है हमारी, मसला होता है अगर हमारी तरफ से होता है तो पैसे रिफंड पॉलिसी एग्रीमेंट होगा बताया था आपके साथ। ठीक है, बैठे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जो भी उसके फैसला होता है सब से काम करते हैं। बस ठीक है, मैं आपको ई मेल भेज दूँ, इसके अंदर जो है ना हमारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर से होती है, वो भी उसका आप रब्ता करें। ठीक है, पता भी लगा सकते हैं, जितना हो सका अच्छे से चले तभी 4-5 लाख रुपये फ्री वीजा लगवा के देंगे, एडमिशन हम करवाएंगे आपको। ठीक है, 2-3 महीने में भी अभी सफर में भिजवा सकते हैं आपको। ठीक है, बस पता है ना, हमें 4-5 लगेगा, उसके बाद आपने सिर्फ जहाज का टिकट लेंगे। ठीक है, बाहर आपका अकोमोडेशन फ्री या स्टाइपर मिलेगा आपको। ठीक है, और रिहाइश भी फ्री है आपकी, ट्यूशन भी फ्री है आपकी, शॉर्ट ऑफ जॉब लग रही है आपकी। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। चाह रहे हैं चाइना से, आपका स्कॉलरशिप फॉर्म आया था हमारे पास, ऑनलाइन अप्लाई किया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने जी पी कितना? ठीक है, आपकी एज कितनी? ठीक है, आपको हम भिजवा सकते हैं फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकता है आपको। ट्यूशन फी आपकी फ्री होगी भाई, अकोमोडेशन फ्री आपकी फ्री होगी, इसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलेगा 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1000 से ऊपर 3000 तक मैक्सिमम मिलता होता है, मिनिमम मैक्सिमम 2-2.5 हज़ार तक शायद लगवा देंगे आपको। हम 5-6 डिस्ट्रिक्ट में आपको अप्लाई करेंगे, किसी में कम मिलेगा किसी में ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी के कुछ कहते हैं। तो आई जी को ही रुकना तो आप रब्ता करें, मैं आपको ई मेल भेज दूँ, उसमें लोकेशन भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, चक्कर भी लगा सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे आपको सारा डिटेल्स हम बता देंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ।
करिश्मा सफ्तर बात कर रही हैं, मैं चाइनीज़ कंसल्टेंट आया हूँ। आप एम एस करना चाह रही हैं बाहर से चाइना से? हमने अप्लाई किया, ऑनलाइन फॉर्म आया था। अच्छा, आपको दिखी कितना? सॉरी, 3 पॉइंट। हेलो, 3.6। आपकी आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है। आप साइट पे शायद आप सिग्नल देखें, सिग्नल देखें। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, टेस्ट है। मैं आपको ई मेल कर रहा हूँ, ठीक है? उसके आखिर में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कर रहे आपको मेल भेज देते हैं, ठीक है? तो बहुत शुक्रिया।
लेकिन सही बार एवं बोलते हैं। अच्छा मैं उनका ही कंसल्ट बात करें तो आप एम एस करना चाह रही हैं चाइना से, ऐसे ही हमने रिप्लाई किया वो। अच्छा तो आपको जी पी जी पी जी पी जी से अब लास्ट सेमेस्टर से आपका हो गया ख़त्म, डिग्री खत्म मिलेगी। ठीक है आपको हो पे भी हम भिजवा सकते हैं, इनको आपके एम एस के लिए बैठ भिजवा सकते हैं थोड़ी बार स्कॉलरशिप। ठीक है आप भेज दीजिए। ठीक है समझ लीजिए। ठीक अच्छा आपको भिजवा सकते हैं, हाँ थ्री फंड स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, आपकी ट्यूशन फीस फ्री हो जाएगी बैठ। ठीक है कंप्लीट प्रोग्राम की ट्यूशन फीस आपको फ्री है और अकोमोडेशन फी भी आपको फ्री है। ठीक है और उसके बाद स्टडी वीज़ा हमने लगवा के देना आपको, एडमिशन बंद करवाना है। काम हम देखो तो हमारा बिजनेस है छोटा, चार पाँच साल से हम काम कर रहे हैं, हम गारंटेड की बातें होते हैं, अगर हमारी तरफ से कुछ हुआ है तो पैसे रिफंड की पॉलिसी भी है हमारी। ठीक है तो चार पाँच लाख हम देते होते हैं। ठीक है क्योंकि ज़्यादा नहीं है और बाकी कंसल्टिंग अगर आप देखेंगे कंसल्टेंसीज ज़्यादा होते हैं तो सब तो नॉर्मल ही है। और एडमिशन फी भी है, स्टाइपेंड मिलता है एम एस में आपको ना, आपकी कमीशन फ्री है, बहुत से लड़के जाते हैं कमीशन फ्री नहीं होने के बाद जॉब कर। आपका जो है ना आप ये समझ लें कि पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हैं, स्टाइपेंड मिलेगा आपको 1,000 से 3,000 के दरमियान। ठीक है 1,000 तो मिलता ही मिलता है एम एस के लिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है उसको देख लें, मन बनता है तो भैया हमें वहाँ पे मेल भेज रहा हूँ, उसमें आपको व्हाट्सएप पर दिया जाता है। मेरा नाम कंपनी का नाम मलेशिया ठीक है जी बिल्कुल, वेबसाइट तो malaysiaedu.com लिखेंगे तो वीडियो से ठीक है। ये 2015 वैसे 2010 से काम चल रहा है बाहर जो चाइना में ऑफिस है, चाइना बेसिकली ऑफिसर भी कर लेंगे हमारे ना, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके ब्याह। ठीक है तो वो वहीं से हम डॉक्यूमेंट को भेजते हैं और वहीं से एडमिशन करवा देते हैं। ठीक है उनका जिस यूनिवर्सिटी में जाना है आपने आप बताएंगे, मैं हम भी बता देते हैं जिस देर इज अ लिस्ट ऑफ यू। आपने ना वेबसाइट देखें सी एस सी की एक वेबसाइट है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है क्योंकि चाइना के स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं, हमारी हिम्मत नहीं है वैसे आपको। ठीक है लेकिन स्टूडेंट्स का उसके थ्रू होता नहीं है ना, फिर हम आंसर आपका होता है फिर आप भिजवाते हैं। ठीक है तो ये चीज़ ठीक है काम बाकी आप ऑफिस लोकेशन भी दी हुई है ईमेल वगैरह में, आप ऑफिस आए चक्कर लगाएं, पेरेंट्स साथ गए क्योंकि घर का बड़ा साथ हैं, दो तीन दोस्त हैं आ जाएँ आके ना मिले आपको समझ आ जाएगी, बकायदा एग्रीमेंट होगा स्ट्रॉन्ग वगैरह उस तरह का काम नहीं है। तो आपको कहता मतलब उससे क्लियर होगा क्या होना है क्या नहीं, जैसा एग्रीमेंट होगा वैसे काम होगा। ठीक है बहुत शुक्रिया, मैं मेल करूँगा।
और बात करूँ मैम दीदी, मैं मनीषा एजुकेशन से बात करता हूँ। आपका फॉर्म मैंने स्कॉलरशिप के लिए बी एस करना चाहता हूँ, चाहे ना सर? नहीं, आपके घर से किसी ने अप्लाई किया होगा ना? ये मैं आप अच्छा, ये नंबर आप लोगों का जो है, चलो ठीक है, बस बेहतरीन है, हो सकता है। बात कर रही है,